तो जैसे कि आपने सेकंड पार्ट के अंदर देखा था कि जियान का टॉप फ्लोर पे थोड़ा सा पंगा दंगा हो जाता है मगर लिटिल फी डॉक्टर और टियानवा जुल्दे की वजह से जो मैटर होता ज्यादा पड़ता नहीं है और जियान वापस आ जाता है सेकंड फ्लोर के ऊपर जहाँ पर जो सिलेन थी वो अभी के लिए जियान का बैठा हुआ इंतजार कर रही होती। जब उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती है तो काफी खुश हो जाती है और डर से खड़ी होकर जियान के पास आ जाती है और जियान की तरफ एक बॉक्स को बढ़ाती हुई बोलती है कि वो गुड्डा मान गया। तो जो जियान होता है वो जड़ से उस बॉक्स को ले लेता और बोलता कुछ और फायदा हुआ। तो यही सुनकर जो सिलेन होती है वो नवे से ला देती और बोलती है टेंथ स्पेशल वाइन यहाँ पर नहीं क्योंकि वो आइटम बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये सुनकर जो जियान होता है बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि जियान को पता ये चीज बहुत ही रेयर है और अगर उसके पास होगी तो वो अपनी पिन रिफाइनिंग में यूज करेगा ना कि किसी को बेचेगा। और इसके बाद जो जियान है तो वो अपनी पूरी पलटन को लेके वहाँ से निकल आता है और फिर वो सभी लोग कुछ ही देर बाद वापस सी क्लैन के रेस्ट एरिया के अंदर आ जाते हैं। और पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी एक्साइटेड था उस प्लेट को लेकर इस वजह से टियान वजह और लिटिल फेई डॉक्टर के साथ एक रूम के अंदर आ जाता है और उस एंशियंट प्लेट को टेबल के ऊपर रख देता और सभी लोग उसी को देख रहे होते जहाँ पर उसके ऊपर जंग लगी होती है और कुछ आधी अधूरी ड्रॉइंग्स बनी थी। मगर जियान की अभी के लिए प्लेट में खुजली हो रही होती है इस वजह से वो प्लेट के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता मगर प्लेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती है। इस वजह से जो जियान तो थोड़ा सा निराश हो जाता है और टियानवा जोन से बोलता है आप सच में इसको लेके कॉन्फिडेंस हो ना कि एंशिएंट टाइम से ही है। ये सुनने के जो टियानवा जोन से होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते बच्चे अगर इतना आसानी होता है इसकी मिस्ट्री के बारे में सॉल्व करना तो इस प्लेट के लिए वहाँ पे लाश से बच जाती अभी तक और अपनी देसी निकाल के उसे पीने लगती। तभी जो जियान होता है कि सीनियर अभी के लिए आप मुझे बताइए आखिर एक चीज क्या है और आखिर इसे यूज कैसे करते हैं। ये सुनने के जो टियानवा जोन से होते हैं झूमते हुए जाते और उस प्लेट को पकड़ लेते और एक लैंप के सामने ले जाते और बोलते हैं जब तुम इसके ऊपर अपने तामझाम कर रहे होते तब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता हूँ ध्यान से। तब मैंने एक बात को नोटिस किया जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती तो इसकी जो रस्ट होती है वो चमकने लगती है। जिस उनके जो जियान होता है बोलता है कि सीनियर अभी के लिए आपको चढ़ चुकी है अभी के लिए हमें इस जंग का क्या करना हमें तो इस प्लेट से मतलब है। जिस उनके जो टियानवा जोन होती है वो अपनी पाइट दुखी को बाहर निकालती है और उसे सुई जितना पतला कर लेती है और प्लेट के ऊपर जो जंग लगी होती है उसे निकालने लगती है और ऐसे ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी देर तक चलती रहती है। ये देख के जो लिटिल फेई डॉक्टर और जियान होते हैं वो अभी के लिए काफी हैरान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टियानवा जोन क्या कर रही है। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखते और अपने मन ही मन में बोलती है अभी के लिए बुड्ढा एकदम फुल टर्न है इस वजह से पागल हो चुका है। मगर जो टियानवा जोन होते हैं वो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखती है क्योंकि उन्हें अभी के लिए फर्क नहीं पड़ता था ये कल के पैदा हुए पिल्ला पिल्ली उनके बारे में क्या सोचते। तभी जो टियानवा जोन की प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है और फिर प्लेट को लेकर सीधा एक डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। जिस तरीके जो लिटिल फेई डॉक्टर और जियान होते हैं उनका मुंह फटाका फटा रह जाता और बोलते बुड्ढा सच में सटिया गया इसने अभी के लिए इतनी महंगी चीज को क्यों फेंक दिया। ये बात टियानवा जोन समझ जाते इस वजह से वो जियान से बोलते कि बच्चे अभी के तुम भली काफी पावरफुल हो चुके हो अभी के लिए मेरी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है तो मेरे सामने अभी के लिए 0/0 हो। और ये जो प्लेट वो एक नॉर्मल प्लेट जैसी मगर उसके ऊपर जो जंग लगी वो असली माल है और फिर अपनी फायर दुखी को बाहर निकालते और उसके छोटे पार्ट को जलाने लगते जिस वजह से वो चमकने लगती है। ये देखते हैं जो जियान होता है कब का हैरान हो जाता है। तभी जो टियानवा जोन होते पूरी रश को जियान को दे देते और बोलते हैं अभी के लिए तुम अपनी हेवनली फ्लेम से इस पूरी रश को जलाओ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आखिर इसके अंदर क्या है। तो जो जियान होता है उसे ले लेता और अपनी हेवनली फ्लेम से उसे जलाने लगता है मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता इस वजह से जियान की सटक जाती है और अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर होता है उसे और बढ़ा देता है और ऐसी जो प्रोसेस होती है थोड़ी देर तक चलती रहती है। तभी जो रश होती है वो पिघलने लगती है जैसे वो पिघलती तभी वो एक एनर्जी की बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ऐसी 5 एनर्जी की बॉल बन जाती है जिनके अंदर से काफी स्पेशल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो जो जियान होता है उन्हें अपनी हेवनली फ्लेम से जलाने की कोशिश करता मगर उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये देख के जो जियान होता है हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो उम्मीद के साथ टियानवा जोन की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए सोच विचार कर रहे होते मगर तभी वो जियान से बोलते हैं जैसा कि ये चीज एंशियंट टाइम से इस वजह से मैंने एक ऐसी चीज के बारे में एंशियंट टाइम में सुना था तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी के लिए चीज होनी चाहिए स्पेशल नरिशिंग पाउडर। और ये बोलते टाइम टियानवा जोन की फेस पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल होती है और जियान से बोलते हैं अभी के लिए जो तुम्हारी चीज हाथ लग चुकी है वो बहुत ही रेयर है यहाँ तक कि अभी के लिए तुमने इसके लिए जो चीज दी है वो बिल्कुल भी बेच नहीं गई यहाँ तक कि तुम्हें एक अच्छी डील मिली है। ये सुनने के जो जियान होता है वो काफी खुश हो जाता है और वो भी टियानवा जोन की फेस की स्माइल को देख के हंसने लगता और बोलता है स्पिरिचुअल नरिशिंग पाउडर आखिर ये सीनियर चीज किस काम आती है। ये सुनने के टियानवा जोन बोलते हैं एंशियंट टाइम में भी बहुत ही रेयर चीज हुआ करती थी इसका यूज किया जाता पेन रिफाइनिंग के अंदर वो भी टियर 8 की पिलों के अंदर और साथ ही इसका यूज किया जाता था एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल पावर को नरिश करने के लिए। इसी वजह से अगर ये डस्ट किसी एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करती है तो बहुत ही आसानी से सोल स्टेट के अंदर कदम रख सकता है। ये सुनने के जो जियान होता है वो खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि जियान ने अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये सड़ी सी चीज इतनी ज्यादा काम की होगी। वहीं पे जो टियानवा जोन होते हैं वो बताना कंटिन्यू रखते और बोलते इस पाउडर का एंशियंट टाइम में बहुत ही यूज किया करते थे एल्केमिस्ट क्योंकि जब भी वो स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर एंटर करते थे वो इस डस्ट का यूज किया करते थे क्योंकि इसकी वजह से वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पाते थे और साथ ही उसे एब्जॉर्ब भी कर पाते थे जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से उस अजीब सी स्टेट के अंदर भी एंटर कर पाते थे। वहीं पे ये सब सुनने के बाद जियान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके हाथ में अभी के लिए एकदम कमाल की चीज लग चुकी है क्योंकि इसकी मदद से सोल स्टेट के अंदर एंटर करने के उसके जो चांसेस वो काफी बढ़ जाते हैं और सबसे ज्यादा जो खास बात है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सेंस कर पाएगा क्योंकि आज के टाइम पे इस तरह की चीज करना किसी भी एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इस तरीके की जो टेक्निक वो हजारों साल पहले गायब हो चुकी है। इस वजह से अभी चलता है अब तुक्का अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो फिर तुम सोल स्टेट के अंदर एंटर कर सकते हो और अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो तुम कभी भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि उसे कल्टीवेट करने की कोई भी मेथड नहीं है अभी के लिए। अभी टियानवा जोन बताते कि मैं जितना जानता हूँ कि अभी के लिए इस तरीके के पाउडर को बनाने की जो मेथड होती है वो अभी के लिए गायब हो चुकी है और अगर तुम फ्यूचर में कोई भी हाई लेवल पिन को रिफाइन करने की सोच रहे हो तो तुम इसका पाउडर का यूज कर सकते हो क्योंकि इससे जो पिन रिफाइनिंग की जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाएंगी और साथ ही उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल होगी। ये सुनने के जियान काफी खुश हो जाता है। अभी जो टियानवा जोन होते हैं बोलते हैं कि अभी के लिए मैंने तुम्हें सारे राजों को बता
बता दिया है, और इसी के साथ जो मेरी टेंशन है वो भी खत्म होती है, क्योंकि अगर इसके बारे में तो मैं नहीं बताता तो फिर तो मेरा जीना दुश्वार कर देते, क्योंकि तुम हमेशा मुझे टॉन्ट मारते रहते, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज का फॉर्मुला इस चीज में वेस्ट करवा दिया आपने। जैसे लेकिन जियान और लिटिल पिंक डॉट के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तभी टैन अपनी जगह पे खड़े हो जाते और बोलती है अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल होने वाली है उन पांचों क्लैन के बीच में एल्डर पोजीशन के लिए कॉम्पिटिशन, और अभी के लिए सी क्लैन के बोलने की सारी उम्मीद आपसे है। जी बोल के जो टैन होते हैं वहां से चले जाते हैं, और साथ ही जो लिटिल पिंक डॉट होती है वो भी जियान को अलविदा बोलती है वहां से चली जाती है। अब उस रूम के अंदर सिर्फ जियान रह गया था, जिसके अंदर अभी के लिए पेट में काट रहे थे चुनचुनी, और इसी वजह से उसे अभी के लिए नींद नहीं आ रही होती, और वो अभी के लिए उन्हीं बॉलों को देख रहा होता है जो कि उस रस्ते से बनी हुई थी। तभी जियान को कंट्रोल नहीं होता और जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस बॉल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, तभी जो बॉल होती है वो जियान के दिमाग के अंदर चली जाती है, और जब ऐसा होता तो जियान की पूरी बॉडी दर्द से कांपने लगती है, मगर थोड़ी देर बाद जो जियान होता है उस दर्द को सहन करने लगता है, और तभी वो महसूस करता है कि अभी के लिए जो एनर्जी की बॉल है वो अभी के लिए उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली गई है। मगर तभी जो जियान होता है अचानक से हैरान हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी की बॉल होती है वो गायब हो गई थी, मगर अभी के लिए जियान महसूस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई है। जैसे जो जियान होता है वो रिलैक्स होने लगता है, मगर तभी जियान महसूस करता है कि उसके आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है, और वो अभी के लिए उसके बिना परमिशन की उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने में लगी हुई है, जिस वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। तभी जियान महसूस करता है कि अभी के लिए उसके फोरहेड के ऊपर एक एनर्जी का प्रेशर बन रहा है, जो कि अभी के लिए आसपास की स्पिरिचुअल ऑरे को एब्सॉर्ब कर रहा है, और ऐसी ये जो प्रोसेस होती है वो 3 घंटे तक चलती रहती है। मगर तभी जियान महसूस करता है अभी के लिए जो सेक्शन फोर्स अभी के लिए से एब्सॉर्ब कर रहा होता है वो अचानक से गायब हो चुका है, और साथ ही उसके आसपास जो स्पिरिचुअल ऑरा फ्लो हो रहा होता है वो भी वहां से गायब हो जाता है। ये देखिए जियान काफी हैरान हो जाता है, मगर तभी जियान उससे बाहर आ पाता, तभी अचानक से जियान की दिमाग में एक आवाज आती है, जो की आवाज बहुत ही ज्यादा कम होती है, और वो बोल रही होती चिम टपाका डम डम। तभी जो जियान होता है वो अपनी आंखें खुलता और काफी हैरान हो जाता है, और बोलता है अभी के लिए मैं जितना जानता हूँ एंशिएंट टाइम के जो एल्केमिस्ट वो अपनी चीजों के ऊपर एक स्पिरिचुअल मार्क को छोड़ देते थे, इसी वजह से अभी के लिए जो आवाज आई थी मुझे लगता है शायद जिसने ये पाउडर बनाया उस एल्डर की थी, मगर ये आखिर चिम टपाका डम डम का क्या मतलब है, कहीं ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है। और ऐसे जो जियान होता है उस फॉर्मूले को कंटिन्यू बार बार बोलता रहता है, और ये जियान के पास अभी के लिए स्पिरिचुअल नर्सिंग पाउडर की 4 एनर्जी की बॉलें बची थी, इस पर जियान उन्हें अपनी स्पिरिचुअल के अंदर रख लेता है, क्योंकि जियान अभी के लिए इनको वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि जियान ने अभी के लिए डिसाइड किया था कि जब कोई हाई लेवल इनको रिफाइन करेगा तब इसका यूज करेगा। इसी वजह से जियान अपने बैट के ऊपर क्रॉस लैग करके बैठ जाता है, और एल्डर के द्वारा दी गए फॉर्मूले को बार बार रिपीट करने लगता है, और ऐसा करते करते जियान को 1 घंटा बीत जाता है। तभी जियान महसूस करता है उसके आसपास काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो रही है, और ये एनर्जी नेचुरल दे की एनर्जी नहीं है, इसी वजह से जियान होता है जट से अपनी आंखें खुलते और आसपास की चीजों को देखने लगता है, जैसे देखने वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसके चौथ और स्पिरिचुअल और अपलो हो रहा होता है, और ये चीज बहुत ज्यादा रेयर होती है, इससे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है, मगर अभी के लिए दुखी कॉन्टेंट के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि अभी के लिए नेचुरल एनर्जी से स्पिरिचुअल ऑरे को सेंस कर सकती है, क्योंकि इसको सेंस करने वाली जो प्रोसेस है वो सभी की सभी गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो है नेचुरल देखी, जिससे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। वही भी ये सब देखिए जियान था वो अभी के लिए काफी खुश होता है। तभी जो जियान होता फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर से उस फॉर्मूले को पढ़ने लगता है जो कि एल्डर ने उससे बताया था चिम टपाका डम डम। और ऐसा करते करते जियान को आधा घंटा बीत जाता, और जियान अभी के लिए महसूस कर पा रहा था उसके आसपास काफी स्पिरिचुअल और अपलो हो रहा होता है। वही जियान अभी के लिए काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस ऑरे को कैसे एब्जॉर्ब करे अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि जब वो आसपास के स्पिरिचुअल ऑरे को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो दुई की उसे नष्ट कर देगी। मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है, अगर वो इस ऑरे को एब्जॉर्ब करना सीख जाता तो कुछ ही टाइम के अंदर सोल स्टेट के अंदर एंटर कर जाएगा, और उसके साथ ही वो बन जाएगा एक टियर 8 का एल्केमिस्ट। उसके बाद इस दुई के अंदर उसकी जो इज्जत होगी वो काफी ज्यादा होगी, यहाँ तक कि डाउजुंग लेवल के वॉरियर की उसको देंगे एकदम फुल इज्जत, और जो छोटे मोटे डाउजुंग है वो तो जियान के चेले चपाटे बन जाएंगे और जियान की सेवा करेंगे। यहाँ तक कि जियान अगर एक टियर 8 का एल्केमिस्ट बन जाता तो उसकी गुगलैंड के अंदर भी एकदम वाहवाही होगी, क्योंकि टियर 8 के एल्केमिस्ट मिलना दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब सोचते हैं जो जियान होता है एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है, मगर तभी जियान महसूस करता है कि उसके पास तो इसको एब्सॉर्ब करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसी वजह से उसका वो फिर से लटक जाता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल सोल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से नष्ट भी हो जाती है। इसी वजह से जो जियान की हालत होती है वो अभी के लिए ऐसी होती है कि वो रशिया तो पहुंच गया, मगर उसे वहां पे पता चलता है कि वहां पे सिर्फ मर्द ही मर्द है, और वो भी हट्टे कट्टे। इस वजह से जियान के जो अर्मा होते सभी आंसुओं में बह जाती है, क्योंकि उसके हाथ तो आया मगर मुंह नहीं लगा पा रहा वो, और ऐसे काफी लंबा टाइम बीत जाता है और जियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और बोलता है यार क्या चल रहा है ये सब। मगर तभी जियान एकदम जोश में आ जाता है और बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूं, मैं यूज करूंगा एकदम फुल देसी तरीका, जैसे कि मैं आसपास की नेचुरल एनर्जी से दुई की को एब्सॉर्ब करता हूं। ये बोलते हैं जो जियान होता क्रॉस लेग करके बैठ जाता और आसपास की स्पिरिचुअल ऑरे को एब्सॉर्ब करने लगता, मगर जैसे वो जियान की बॉडी के अंदर एंटर करता है वो उसकी दुई की से टकराते एकदम से नष्ट हो जाता है। ये देखिए जियान काफी हताश हो जाता है, मगर जियान फिर से ट्राई करता है, मगर वो फिर से दुई की से टकराते नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल ऑरा वो बहुत ही कम है और बहुत ही नाजुक है। और ऐसा करते करते जियान को काफी लंबा टाइम बीत जाता है और जियान ऑलरेडी 20 बार फेल हो चुका था, मगर जियान हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी जियान महसूस करता है कि वो अभी के लिए सक्सेसफुल हो चुका है स्पिरिचुअल ऑरे को एब्सॉर्ब करने में, मगर उसका जो पार्ट होता है वो बहुत ही कम था। मगर इस पास से जो जियान तो बिल्कुल भी निराश नहीं होते, बल्कि एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता कि ऐसे अगर मैं करता रहा तो मैं अपने देसी मेथड को एकदम परफेक्ट कर लूंगा, जिसके बाद मैं काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर स्पिरिचुअल ऑरे को एब्सॉर्ब कर पाऊंगा, और फिर उसके बाद मेरे लिए सिर्फ कुछ टाइम की बात रह जाएगी सोल स्टेट के अंदर एंटर करने की। और ऐसे जो जियान होता कंटिन्यू कल्टीवेशन करता रहता और जियान को अभी के लिए ऐसा फील हो रहा था जब भी उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती तो उसका जो माइंड था काफी रिफ्रेश हो जाता था, मगर ये जो प्रोसेस थी वो बहुत ही स्लो थी, मगर जियान के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। इस पर जियान कंटिन्यू कल्टीवेशन करता रहता पूरी रात, और फाइनली अब वो दिन आ चुका था फिल टावर के एल्डर पोजीशन के लिए होने वाला एक धुआंधार कंपटीशन, जिसमें हमारा जियान
बनाया ही क्लैन को एल्डर पोजीशन दिलवाने के लिए। और यहाँ पे काओ क्लैन से आई एक कमाल की सुंदर सी लड़की जो कि पहले तो जियान के ऊपर काफी भड़क गई मगर आगे चल के जियान के प्यार में पड़ जाएगी। और ये सभी चीजें आपको पता चलेंगी आने वाले न्यू एपिसोड में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पे खत्म हो चुका। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।